अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अमान खान है और आप सबका स्वागत है ऐसे कूलिंग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रिवेंटर के बारे में, कि प्रिवेंटर का क्या काम है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आप प्रिवेंटर के बारे में की वायरिंग के बारे में आपको जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बना सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारा प्रिवेंटर है सिंगल फेस रिवर्स का। ये आपको थ्री फेस रिवर्स होने से आपको आउटपुट नहीं देगा। इसकी वायरिंग सिंपल है। आपको इधर पे RYB का लोगो दिख रहा है, आप इधर मेन सप्लाई से ले सकते हैं पावर। आउटपुट कॉन्ट्रैक्टर से जो आउटपुट जाने से पहले आप इधर ऊपर से आप इधर से लूपिंग करके RYB के तीन वायर आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इधर पे लगाया है RAY और AB। अगर आप ये लगा देंगे, लगा के आप MCB ऑन कर देंगे तो भी ये ऑन नहीं होगा जब तक आप इसको एक एडिशनल पावर नहीं देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर पे मैंने एक कनेक्शन लिया हुआ है, ये फेस है, और इधर 15 नंबर पे मैंने इधर पे कनेक्ट कर लिया है। जब आप ये 15 पे कनेक्ट कर देंगे तो ये डिवाइस आपको चालू हो जाएगा, और जब ये आपके RYB तीनों कनेक्शन सही रहेंगे तब ये आपको 18 नंबर से आउटपुट देगा। अगर आपका YB चेंज हो गया इधर से ऊपर से, तो ये आपका 18 से आउटपुट कट कर देगा। आउटपुट ये कट होने के बाद में आपको ये 16 से पावर आ जाएगा। जैसे कुछ भी इधर पे RYB में कुछ भी चेंजेस होता है या फिर लो पावर होता है तो ये आपको पावर देना बंद कर देगा। इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं पर भी नहीं देना है। ये प्रिवेंटर सिर्फ आपको फेस पे ही काम करेगा। RYB आप इधर पे कनेक्ट कर सकते हैं और एक एडिशनल आप कहीं से भी ले सकते हैं पावर। आप 15 पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर RYB के थ्रू से लूप करते हुए आप इधर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आउटपुट की वायर है, मैंने इधर पे टाइमर पे दिया है। आप चाहे तो आउटडोर कॉन्ट्रैक्टर पे दे सकते हैं या फिर इंडोर मोटर के कॉन्ट्रैक्टर पे दे सकते हैं। अगर आपका फेस चेंज हो गया तो ये जो रेड लाइट है आपको ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका फेस बदल गया है। तो आप उस समय अपने कॉन्ट्रैक्टर से YB चेंज कर दीजिए, तो फिर ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। अभी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने इधर पे सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। जैसे ही मैंने MCB ऑन की, आप देख सकते हैं रेड लाइट चालू हो गया है और आउटपुट के थ्रू से इधर से आपका आउटपुट निकल गया है। इधर से मैंने इधर पे टाइमर पे कनेक्शन कर दिया है। जब ये रेड लाइट आपको स्टॉप में रहेगा तो आपका तीनों फेस सही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।